हाँ जी बेटा, तो हमने कल जीएसटी के अंदर वो चीजें डिस्कस की कि ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं जहां पर आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट जो कंडीशंस डिपार्टमेंट ने सेक्शन 22 में बताई है कि ये कंडीशंस होंगी तो आपको नंबर लेना पड़ेगा। बट एज पर सेक्शन 24, देर आर सर्टेन सिनेरियोज, सर्टेन सिचुएशंस वेयर सेक्शन 2 जो होता है उसको बाईपास किया जाता है, कि सेक्शन 22 में जो लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, 24 में जो है इसमें आपको नंबर लेना ही पड़ेगा, चाहे आपकी टर्नओवर 2 रुपए की है और चाहे 2 करोड़ की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप त्रिपुरा में हैं और चाहे आप गुजरात में हैं, आपको नंबर लेना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये हमने सारी सारे के सारे सिनेरियोज कल डिस्कस किए थे। मैंने आपको कल आईएसडी का कॉन्सेप्ट बताया था। आईएसडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। जब हमें इनपुट खर्चा एक जगह से हो रहा हो और उसका इनपुट भी एक जगह पे इकट्ठा हो रहा हो, तो उस इनपुट को रिस्पेक्टिव लोकेशन से भेजने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसको हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और उसके लिए भी पर्सन को जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, अब हम चीजें डिस्कस करते हैं जहां पर इंसान मतलब जो पर्सन है वो जीएसटी नंबर लेने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, जीएसटी नंबर लेने के लिए लायबल नहीं है, वो सिनेरियोज हम एक बार टेकअप करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, किस नंबर किसको लेना है, नंबर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लेना है, ठीक है, प्रोसेस क्या है, हमने वो भी देखा। हमने ये भी देखा कि किस सिचुएशंस में नंबर लेना ही पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी टर्नओवर क्या है। हमने आरसीएम देख लिया, हमने एग्रीगेट टर्नओवर देख ली, हमने काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देखे कि वो क्या क्या होते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं कि ऐसे वो कौन कौन लोग हैं जिनको नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं क्या कहता है। पर्सन्स नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23। अब 22 में बेटा क्या बोला गया, सबको लेना है नंबर। 23 में बोला गया किसको नहीं लेना। 24 में बोला गया किसको, तो मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको इंडेक्स स्टार्टिंग में दिया था कि 22 में क्या है, 23 सेक्शन याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट याद रखोगे तो अच्छी बात है कि जब आप किसी से बात करोगे या एग्जाम में अगर आपको याद है और वो क्वेश्चन आ गया तो अगर आप लिखोगे एज पर सेक्शन 22 ऑफ द CGST Act 2017, आपके पास एक लाइन तो यही हो गई। और जब जो चेकर है अगर वो सही से आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको पता है, तो बेटा ये समझ लो आपका एक नंबर उसी लाइन में बन गया, एक नंबर उसी एक लाइन के अंदर। ठीक है, पर्सन्स नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23, लिस्ट द पर्सन्स हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से हैं? पर्सन्स इंगेज्ड एक्सक्लूसिवली। अब ध्यान से देखना बेटा, इसने क्या बोला, लॉ में बेटा क्या होता है ना, हर शब्द का एक महत्व है, हर शब्द का। अब अगर यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है तो पर्सन मतलब पर्सन में कौन कौन, इंडिविजुअल, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, पार्टनरशिप, AOP, BOI, ट्रस्ट, एवरीबॉडी इज कवर्ड। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एंगेज्ड कहां पे, एक्सक्लूसिवली, क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिवली, सिर्फ वही काम और कुछ नहीं, सिर्फ वही काम, इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड और सर्विसेज, नॉट लाइबल टू टैक्स होली, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या कह गया, अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी जो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं या दोनों मिला करके पूरी तरीके से उन पर टैक्स नहीं लगेगा, नॉट लाइबल टू टैक्स, पहली चीज। दूसरी चीज, होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कौन सी होती हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स की सर्विसेज होती हैं वो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज होती हैं, जैसे सब्जी, दूध, खाने की चीजें ना बेटा, ये जरूरत की चीजें हैं, एग्जेम्प्टेड होती हैं।
नॉट लाइबल टू टैक्स। मैं एक काम करूंगा बेटा, आपको ना एक दो तीन चीजें अलग से समझा दूंगा फिर से। एग्जेम्प्ट स्पेसेस कौन सी होती हैं? नॉट लाइबल टू टैक्स में कौन सी आती है? सॉरी, नेगेटिव लिस्ट में देख लेते हैं। एक नेगेटिव लिस्ट भी होती है बेटा, और नील रेटेड। मैंने आपको वैसे बेटा हल्का फुल्का बताया हुआ है, मैंने प्रीवियस क्लास में, मुझे याद है। बट कोई नहीं, मैं एक अलग से 10 मिनट की क्लास ले लूंगा इस इन इन टॉपिक्स के ऊपर, फिर से आज ही ले लूंगा, प्रोबेबली का टाइम मिला आज ही ले लूंगा, ठीक है? तो जैसे बताया, दालें या फिर सब्जी, अगर आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको नंबर लेने की जरूरत नहीं है। एज पर सेक्शन 23, एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जाम कनोटेड ऑफ सीजीएसटी आईजीएसटी शैल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन। समझे कि अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसे सामान बेच रहे हैं जो जिस पे टैक्स लगता ही नहीं है, या फिर जो एग्जेम्प्ट है, आपको टैक्स, आपको नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। सरकार ये बोलती है, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एक मिस्टर बलराज, मिस्टर बलराज ने नंबर नहीं लिया, ठीक है? एज फॉर द पास्ट मेनी इयर्स ही वॉज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द कल्टिवेशन ऑफ वीट इन कपूरथला सिटी ऑफ पंजाब। क्या कर रहे हैं? गेहूं की फसल बोते हैं, उगाते हैं, बोते हैं, उगाते हैं। अच्छा, नहीं, उन्होंने बोने की बात नहीं बोली, उन्होंने बोला कल्टीवेशन, ठीक है? इन द करंट ईयर ही डिसाइड्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑफ इन ऑनियन। अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग हिज वीट प्रोड्यूस, हिज टर्नओवर इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ द करंट ईयर इज ₹24 लाख फ्रॉम सप्लाई ऑफ वीट एंड ₹12 लाख फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑफ ऑनियन। क्या कहना चाहते हैं ये? कहना क्या चाह रहा है कि 12 लाख रुपए ऑनियन की ट्रेडिंग से कर रहा है और 24 लाख रुपए आपका, हाँ 24 लाख रुपए बेटा क्या कर रहे हैं? वहां से लेके आ रहा है सप्लाई ऑफ वीट प्रोड्यूस से। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के अंदर, नॉट लायबल फॉर टैक्स, तो उसको नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नवयुवक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, इनकम टैक्स का सेक्शन है बेटा ये 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इज एक्सक्लूसिवली इंगेज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, द फाउंडेशन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या कह गया? अब अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा है, उसको भी नंबर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में आता है। तो आपको सारी सर्विसेज नहीं याद करनी है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो जो सर्विसेज इंपॉर्टेंट है उस पर हम जोर डालेंगे और आपको याद कराने की कोशिश करूंगा मैं कि आपको याद हो जाए कि ये एग्जेम्प्टेड है या नॉट लायबल फॉर टैक्स है, या नील रेटेड है, जीरो रेटेड है, क्या है। जैसे हमने देखा अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता, क्यों? वो जीएसटी के एम्बिट में ही नहीं आते हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल यू आर राइट, सब्जी पे जीएसटी है ही नहीं बेटा, खाने की चीजों पे जीएसटी नहीं है ऑलमोस्ट, मतलब जो जरूरी चीजें हैं खाने की। अब आप बोलोगे कि सर क्या मैगी पे भी नहीं है, या बिस्किट्स पे नहीं है, चॉकलेट्स पे नहीं है, तो वो बेटा अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? वो खाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके बिना आप मर जाओगे। ऐसी चीजें जो बेसिक नेसेसिटी में आते हैं वो आपके एग्जेम्प्टेड है, ठीक है? ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, सरकार ने उन सारे लिस्ट की, उन सारे प्रोडक्ट की लिस्ट निकाली हुई है कि ये प्रोडक्ट इस लिस्ट में है, ये प्रोडक्ट इस लिस्ट में, ये प्रोडक्ट इस लिस्ट के अंदर है, ठीक है? अभी सिगरेट है सर, सिगरेट भी तो पीते हैं सर, गुड्स है। तो बेटा सिगरेट जो है ना वो शरीर के लिए जरूरी नहीं है, आप शौक में पी रहे हैं, जो कोई भी पी रहा है एक्स वाई जेड, तो दैट इज द पॉइंट, ठीक है? समझ में आ गया, ठीक है बेटा? तो ये लोग जरूर, उनको नंबर लेने की जरूरत नहीं है, पहली चीज हमने देखी, ठीक है?
अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नॉनवेज पर है बेटा, नॉनवेज कौन सा? कच्चा मुर्गा, पका मुर्गा, समझ रहे हो? क्या उसको खरीद बेच रहे हो, वो वाली चीज की बात कर रहे हो, या बनने के बाद जो बिक रहा है उस पर तो वैट लग ही रहा है आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर, ठीक है? और उस मुर्गी की ट्रेडिंग में नहीं है, क्योंकि वो आपका एक वर्ड कॉल उस कैटेगरी में फॉल होता है वो, लेकिन जब उसके बाद वो बिक रहा होता है रेस्टोरेंट्स में जाकर के उस पर लगता है बेटा। हाँ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अच्छा सॉरी, हाँ उसका आंसर यहाँ पर है, गलत हो गया ये। हाँ तो बेटा जितना भी सामान, हमने जो ये एग्जाम्पल देखा था, जितना भी सामान ये कल्टीवेशन से आ रहा है, कल्टीवेशन मतलब जो बीज से आ रहा है उस पे जीएसटी नहीं है, लेकिन जैसे उसके अलावा भी काम करोगे तो आपकी लिमिट देखी जाती है। जैसे एन एग्रीकल्चरिस्ट, ध्यान से समझना एग्जाम्पल को, पुराने वाले एग्जाम्पल का ये आंसर है, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से जितना प्रोड्यूस आपका आ रहा है वो टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन द टर्म। एक सेकेंड, मैं आपको सही से एक सा करेक्ट बता देता हूँ। ये अगर कोई लैंड उसकी खुद की है, किसी किसी किसान की, कौन कौन? इंडिविजुअल और एचयूएफ, ध्यान रखना। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है, अगर कोई एलएलपी कर रही है या पार्टनरशिप कर रहा है, क्या कि अगर उसकी कोई जमीन है और उस जमीन पे वो खेती करके उसको बेच रहा है तो वो जीएसटी से बाहर नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि वो किसान नहीं है, सरकार ने किसान को बाहर रखा है, बिजनेसमैन को नहीं, ठीक है? ध्यान रखना, किसान फार्मर इज आउट ऑफ दिस जीएसटी परव्यू, नॉट द बिजनेसमैन, क्लियर? ठीक है, तो अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो उस जमीन का मालिक है, और उसकी फैमिली के जो लेबर है, उसके खुद की फैमिली के लोग उससे प्रोड्यूस निकाल रहे हैं बाय सर्विस और वेजेस पेबल इन कैश ऑफ हैंड और बाय हायर लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन, मतलब पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। अब मेरे पास 10 बीघे हैं, मैंने दो लोगों को रखा कि आप मेरे खेत में कटाई बढ़ाई करिए, और मैं खुद को मॉनिटर कर रहा हूँ, मेरी फैमिली से कोई मॉनिटर कर रहा है, तो वो भी कवर होगा। मेरी जमीन है, उसको मैं किसी से कटवा रहा हूँ, लेकिन अगर यही जमीन किसी कंपनी की है, मान लो अंबानी जी की जमीन है, अब अंबानी जी तो खड़े नहीं होंगे बेटा वहां पे कि बेटा हाँ कैसे आप लोग काट रहे हो, नहीं है ना, कोई और करेगा, तो क्या आप वहां पे, हम यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाएंगे कंडीशंस को। तो अल्टीमेटली कहानी ये है पूरी की पूरी कि अगर मैं इंडिविजुअल एक फार्मर हूँ और मेरी खुद की जमीन है, या तो मैं उसको काटूं उस फसल को, या मैं किसी से कटवाऊं अपने सुपरविजन के अंदर, तो मैं एग्रीकल्चरिस्ट माना जाऊंगा, अदरवाइज नहीं माना जाऊंगा, ठीक है? उसके बाद कहानी ये आती है, उस प्रोड्यूस से जो भी प्रोसीड्स मिलेगा मुझे, मैं खुद ही उसको बेच रहा हूँ, तो मैं इस कंडीशन में फॉल करूंगा पहली चीज, और मुझे नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं, ये काम मेरा नहीं है, मैंने क्या किया, अगला एग्जाम्पल में क्या था, मैंने प्याज खरीदा, प्याज खरीदने पे अब क्या हुआ, मैंने खरीदा है प्याज, उगाया नहीं है, मैंने प्याज खरीदा है उगाया नहीं है अपनी लैंड के ऊपर, है क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, मुझे उस वाली 12 लाख जो भी मेरा सेल बन रहा है ट्रेडिंग का, वो प्याज को ट्रेड करने पे, वहां पे मुझे मेरी लिमिट देखी जाएगी 20 लाख है या नहीं, अगर वो क्रॉस कर जाएगी तो मुझे नंबर लेना पड़ जाएगा, ठीक है? हाँ अब एक बच्चा कह रहा है, सर अगर कोई लैंडिंग पर्सन जिन पर दे दे वो लैंड तो जीएसटी लगाएगी या नहीं? बेटा श्रुति समझा रही, मैं एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल एक बार बताएंगे, सर अगर कोई, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, एक बार सही से लिखिए, इसको रिफ्रेम करिए, समझ में नहीं आ रहा अभी, ठीक है? तो ये बेटा कहानी है पूरी की पूरी, आगे चलते हैं। हाँ ये जो बेनिफिट है वो किसके लिए है, एग्रीकल्चरिस्ट हु आर इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है? सिंपल सी बात है, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट इंगेज है मेकिंग एनी सप्लाई अदर देन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ही शैल बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है बेटा?
उसको फिर उसकी लिमिट के हिसाब से नंबर देना पड़ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। राहुल, कोई बच्चा राहुल है अपनी क्लास में? जरूर होगा बेटा। राहुल इज एन एग्रीकल्चरिस्ट एंगेज इन द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन हिज फील्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। राहुल खुद ही काम करता सारा। ठीक है, ही वाज एक्सक्लूसिवली, क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ व्हीट कल्टीवेटेड इन हिज फील्ड इन द प्रीवियस ईयर, दस ही वाज नॉट लायबल टू टेक द नंबर। इन द करंट ईयर ही डिसाइड्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब इधर से खरीदो उधर बेचो, इधर से खरीदो उधर बेचो, इधर से खरीदो उधर बेचो, ट्रेडिंग यही होती है बेटा, ट्रेड ट्रेड करना। इन द राइस, चावल प्लेटफॉर्म सप्लाइंग हिज होम व्हीट प्रोड्यूस। ठीक, हिज टर्नओवर इन द करंट ईयर इज 32 लाख, करंट ईयर में उसकी टर्नओवर कितनी है, 32 लाख रुपए की। फ्रॉम सप्लाई ऑफ व्हीट, लेकिन व्हीट से, एंड 9 लाख फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ राइस। ही इज, कहाँ गया, ही इज नॉट, सॉरी, हाँ, 32 लाख रुपए कहाँ से लिए बेटा, सप्लाई ऑफ व्हीट से लिए, और 9 लाख रुपए कहाँ से लिए, ट्रेडिंग ऑफ राइस से। तो 32 गेहूं से है, 9 लाख रुपए कहाँ से है, चावल की ट्रेडिंग से आ रहे हैं। अब ये कुछ सर्विसेज तो दे नहीं रहा बेटा, गुड्स में डील कर रहा है ना, सर्विसेज तो दे नहीं रहा है, गुड्स में डील कर रहा है। गुड्स क्या है, व्हीट अपनी जमीन पे उगाता है और चावल खरीद के बेचता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब बात ये आती है कि क्या हम 32 प्लस 9 करेंगे या 32 को अलग देखेंगे और 9 को अलग देखेंगे। पहली चीज यही होगा ना बेटा कि टर्नओवर कैसे निकाली जाएगी, नंबर कैसे लेगा वो, क्या 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है या 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। क्या 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, क्या 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। तो बेटा सबसे पहली बात, लिमिट एप्लीकेबल है गुड्स के केस में सिर्फ और सिर्फ 40 लाख की। हाँ, तो बेटा विपिन और श्रुति एग्जाम्पल कुछ हो रहा है। ठीक है, विपिन हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल हल्के से, पूरा एग्जाम्पल अच्छे से समझ लो, इसको मैं किसी नई स्लाइड लेके चलता हूँ। यहाँ पे विपिन है, ठीक है, विपिन के गांव में उसकी 10 बीघा की जमीन है। ठीक है, 10 बीघा की जमीन में विपिन को कुछ 25 लाख रुपए का सेल होता है हर साल। ठीक है, क्लियर, ध्यान से समझना, 25 लाख रुपए का साल का बिजनेस, मतलब अपनी जमीन से वो गेहूं चावल दाल जो भी एक्सपेंडेड वहां पे उगाता है और वो उसको बेच देता है, तो उसको एक साल में कितने रुपए मिलते हैं, 25 लाख रुपए। लेकिन साथ ही साथ विपिन क्या करता है कि ना, राइस थर्ड पार्टी से खरीदता है 35 लाख रुपए के, और उनको वो 15 लाख रुपए में, सॉरी 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 सॉरी, रॉन्ग एग्जाम्पल, 7 लाख रुपए का बेच खरीद कैसे, हाँ सॉरी, 10 लाख रुपए का खरीदता है बेटा, और उनको फिर वो 16 लाख रुपए में रीसेल कर देता है। ठीक है, ये परचेज प्राइस हो गया इसका, यहां पे ट्रेडिंग हो गई बेटा, और यहां पर कल्टीवेशन। हाँ जी, कल्टीवेशन से कितना है, 25 लाख रुपए। ठीक है, ट्रेडिंग से कितना है, 10 का खरीदा 16 का बेचा। ठीक है, अब बताओ, और विपिन जो है, विपिन कहाँ रहता है, पंजाब में। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या होगा, ये कल्टीवेशन है, यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं लेना,
जीएसटी नो। यहां पर अगर आप इसको दोनों को अलग अलग करके देखते हैं पहले, ठीक है, दोनों को अलग अलग, यहां पे तो नहीं लेना। अब अगर यहां की बात करें तो यहां पे लिमिट लिमिट क्रॉस नहीं करती है ना, यहां पे लिमिट क्रॉस नहीं करती। लेकिन अब हम चलते हैं अल्टीमेटली, इस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, इस पे जीएसटी लगता है तो लिमिट क्रॉस नहीं कर रही। लेकिन अब हम चलते हैं हमारी एक प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, जहां से मैं आपको ये चीज समझाता हूं। देखिए, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे तो कैसे देखोगे? एग्रीगेट टर्नओवर को बताओ कैसे देखोगे? सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाईज आरसीएम को छोड़ के, और एग्जिट सप्लाई भी लेनी है। क्या लेनी है? एग्जिट सप्लाई भी लेनी है। समझ में आ गया या नहीं आया? तो जो ट्रेडिंग से किया कब कमाया आपने, ट्रेडिंग से कमाया 16 लाख रुपए, ठीक है, और ये कौन सा था? ये तो एग्जेम्प्टेड था। लेकिन दोनों को ऐड करो ना पहले। अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जेप्टेड होता तो आप बाहर ही हो, चाहे 100 करोड़ क्यों ना हो जाए, बाहर हो आप, आपकी खुद की जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो वाला काम भी आ गया तो उसको दोनों पे करके देखा जाएगा, और आपकी टर्नओवर हो चुकी है 41 लाख रुपीज की एक साल में। नंबर सॉरी लेना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा? अच्छा, विपिन ने बोला है ओके सर आई अंडरस्टैंड। एक बच्चे ने बोला है सर, हाँ श्रुति ने बोला है सर मैं अपनी लैंड किसी अदर पर्सन को जंक पे दे दूं तो जीएसटी लगेगी कोई अदर पर्सन की? बेटा जंक क्या होता है? जंक का मेरा मतलब तो बेकार। अभी आ रही है बेटा? अभी वॉइस आ रही है? हाँ ठीक है बेटा, बैटरी खत्म हो गई थी माइक की, मैंने दोबारा उसको रिचार्ज किया है। ठीक हाँ बेटा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? एक बच्चे का डाउट था सर, विपिन की जो इनकम ट्रेडिंग से हो रही है उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 6L ही है उसकी इनकम है ट्रेडिंग से। बेटा 6L जो है ना, 6L 6L दैट इज दिस इज प्रॉफिट। बेटा 11वीं कक्षा से आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए आ रहे हो, 11वीं कक्षा से, ठीक है। क्या लिखते हो? सेल कितने की होती है? 10 रुपए की।
परचेज कितने की होती है? 4 रुपए की। 6 रुपए क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर वो कहाँ जाता है? आपका नेक्स्ट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट। इधर क्या आते हैं आपके? बाकी के खर्चे, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, है ना, डेप्रिसिएशन। फिर आता है आपका नेट प्रॉफिट 1 रुपया। तो बस सेल तो 16 रुपए की ही है ना, प्रॉफिट की बात थोड़ी ना हो रही है। क्या नाम बेटा? रिशु। प्रॉफिट की बात थोड़ी ना हो रही है, सेल की बात हो रही है। एग्रीगेट टर्नओवर की हम बात कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिट की। ठीक है बेटा? सर वो मिसटाइप हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, समझ गया ना मेरा लॉजिक आप? तो 16 लाख रुपए हो गए, और हम क्या देखते हैं? जब हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं, हम कैसे देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, हम कैसे देखते हैं? अच्छा बेटा, आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे देश में, हमारे देश का जो कानून है वो कहता है कि जो किसान है ना, हम किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, बिजनेसमैन तो टैक्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे देश की जो ज्यादातर आबादी है वो आज भी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, क्यों? तो सरकार कहती है, और वो भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से लैविश लाइफ नहीं जी रही है। तो सरकार का मोटिव होता है कि हम उनको फायदा पहुंचाए, ना कि बिजनेसमैन को। अब आप यहाँ पे बताओ, 41 लाख रुपए कमा रहा है कौन? क्या नाम बच्चे का? विपिन। ठीक है, से यहां से कमा रहा है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहाँ पे आप बिजनेसमैन बन गए ना, समझिए। मैं आपको मतलब लॉजिक समझाना चाहता हूँ कि कैसे वो चीजें काम करती हैं। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, आप समझ जाओगे कि हाँ सर ये ऐसे है, याद कर ले, बात खत्म। बट जस्ट ट्राई टू डिग डाउन इनटू द लॉजिक, ये हुआ क्यों? एग्जाम्पल देता हूँ, पी चिदम्बरम हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना। वो उन्होंने अपनी जब आईटीआर फाइल की थी, इनकम टैक्स रिटर्न, उन्होंने दिखाया कि जी मैंने ना 300 करोड़ रुपए की गोभी अपने अपने खेत में, अपने गार्डन में उगाई और उसको बेच दिया 300 करोड़ रुपए। मैं सोचो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर अपने गार्डन में 300 करोड़ की गाजर उगा के बेच रहा है, क्या पॉसिबल है? नहीं, वो एक्ट का मिसयूज करना चाह रहे हैं। हालांकि पता नहीं ये मिसयूज हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, मैं किसी पे कोई क्वेश्चन मतलब एलिगेशंस नहीं लगा रहा, बट लॉजिक को समझिए। शाहरुख खान की बेटी है, नाम मुझे याद नहीं है, उसने अपने आप को फार्मर डिक्लेयर किया है कि मैं फार्मर हूँ जी, और उसकी लाइफस्टाइल देखो कितना, वो 10 में फार्मर है नहीं, लेकिन क्या है, वो इन सब प्रोविजंस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, एट द एंड डिपार्टमेंट जो है हमारा इनकम टैक्स का होता है, जीएसटी का, वो इन सब चीजों को पकड़ते हैं कि हाँ मतलब कहाँ से फार्मर हो आप, जरा बताओ ना। अरे जो भी है बेटा, सुहाना घर सुहाना घर, क्या करना है मुझे? ठीक है, आप लॉजिक को समझो कि सरकार किस चीजों पर टैक्स लगाना चाहती है। गरीबों को टैक्स के दायरे से बाहर रखना चाहती है और अमीर से टैक्स लेना चाहती है, क्योंकि उसी से क्या होगा, अमीरों से जो टैक्स इकट्ठा होकर आएगा वो गरीबों को दिया जाएगा, ताकि वो मतलब बैलेंस बन सके चीजें, समझ रहे हो आप? अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना बेटा, तो नॉर्थ ईस्ट में टोल नहीं है इतने, जितने अच्छे अच्छे मतलब जो डेवलपिंग या फिर कह लो डेवलप्ड स्टेट्स है इंडिया के, वहां पे टोल है, उधर नहीं है। क्यों? सरकार एक ही है ना, लेकिन क्या है, उधर इतना डेवलपमेंट नहीं है। तो सरकार का कहने का मतलब ये है, यहाँ भी रोड बनाएंगे, यहाँ से टोल लेंगे, और वो जब पैसा आएगा उस टोल को वहां पे लगाएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी तो सहूलियत चाहिए ना, उनको भी जो देश की मतलब मेन डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको उनको लिंक करना है। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर कि क्या लो बनता किस वजह से है, क्या लॉजिक है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, आगे देख लेते क्या लिखा हुआ है। द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल टू अ पर्सन एक्सक्लूसिवली, ध्यान से पढ़ना, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब इज 40 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ राहुल इन द करंट ईयर इज 41,32,9, व्हिच एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, दस ही विल बी लायबल टू द रजिस्ट्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये देखिए क्या है, ये सब अंग्रेजी लिखी हुई है, ठीक है, ये पूरी अंग्रेजी है। मेरा पर्पज होता है कि मैं आपको
आपके माइंड में कॉन्सेप्ट को घुसेड़ सकूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, किसी एक्ट के पीछे जो एक लाइन लिखी हुई है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं सर जीएसटी थ्योरी सब्जेक्ट है। बेटा थ्योरी है, लॉ हमेशा थ्योरी में ही होता है, लॉ हमेशा थ्योरी में होता है। जैसे इनकम टैक्स है थ्योरी में, लेकिन आपने क्या थ्योरी कितनी पढ़ी, आपने सारे कॉन्सेप्ट ही पढ़े ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, लिखा तो अंग्रेजी में ही है ना, सेम जीएसटी में बेटा, ठीक है। आई होप द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, यू अंडरस्टूड माई पॉइंट कि कैसे हमें पढ़ना है क्या समझना है, ठीक है। हाँ बाकी देखते हैं, सर हमने देखा था ना सर, हमने बोल इसमें हमारे जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक चीज थी कि सरकार इन चीजों किसी लोग कुछ लोगों को बोल सकती है कि आपको नंबर लेना पड़ेगा। जैसे हमने ये वाली स्लाइड पढ़ी ना, किस किसको नंबर किसका नंबर लेना मैंडेटरी है, किस सरकार किसी को बोल सकती है कि नहीं यार आपको तो लेना ही है, ठीक है। तो वो बेटा केस टू केस डिपेंड करता है, उसमें से कुछ एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स। हाँ सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो कुछ लोग हैं जिनको सरकार ने बोला आपको लेना ही है, जैसे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ओपनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, पर्सन हु आर ओनली एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज ऑन बोथ द टोटल टैक्स ऑन व्हिच इज लायबल टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर द सेक्शन 93 ऑफ द हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन नंबर दिस एंड दिस। ये भी बेटा आपने बहुत बार देखा हो, मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा, ठीक है। क्या कह गया, कहता है पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज, जो लीगल सर्विसेज थी ना हमारी, लीगल सर्विसेज याद है मैंने बताया था कि वो आरसीएम में आती है, फिर जीटीए सर्विसेज उसकी बात चल रही है, रिवर्स चार्ज सप्लाईज पर्सन हु आर ओनली एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टोटल टैक्स ऑन व्हिच इज लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज, कि वो सारी सर्विसेज उनकी जो है रिवर्स चार्ज में आती है और वो उस पर रिवर्स चार्ज पे होता है, कौन करता है रिवर्स चार्ज रिस्क बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 हैव बीन exempted from opening registration, ठीक है। तो सरकार ने बोला, सॉरी सॉरी मैंने इसको नहीं देखा, किस किस को सरकार ने exempt किया हुआ है। तो अगर आप आरसीएम की सर्विसेज डिलीवर करते हैं, अगर आप आरसीएम की सर्विसेज डिलीवर करते हैं तो आपको नंबर नहीं लेना है, सरकार ने आपको exempt किया हुआ है। अगर आप सिर्फ वही काम कर रहे हैं, अगर आप कोई साथ में कोई और काम कर रहे हैं तो exempted नहीं हो, आपको नंबर लेना पड़ेगा एज पर योर थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है बेटा। ये तो एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में इसको ना आपके कंटेंट सेक्शन पूरी स्लाइड को अपडेट करवा दूंगा, ये इज नॉट एज मच, ये बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं बेटा, एक सेकेंड। वही सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह भी हैं बेटा डाले हुए कुछ, ठीक है बेटा। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा अभी क्या कौन सा टॉपिक इधर पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन के अंदर, मतलब ये सिर्फ हमने रजिस्ट्रेशन लेने की बात बताई करी है, ठीक है। हमारी कुछ चीजें ये भी थी ना, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। अब बात आती है प्रोसीजर क्या है जीएसटी नंबर लेने का, प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद डीम ये हम कर चुके हैं, कैजुअल टैक्स पेयर और नॉन रेजिडेंट हम कर चुके हैं बेटा ऑलरेडी, ठीक है।
अमेंडमेंट, कैंसिलेशन और रिवोकेशन, हमें एक ये चीज करनी है, एक ये चीज करनी है, एक दो तीन चार, मतलब इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि ये चीजें क्या है ना, टाइम इन्हीं चीजों में लगता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं आपको ना बेटा इसका प्रोसीजर का ना स्क्रीनशॉट, मैंने एक शीट बनाई हुई है, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट। बेटा सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप, मतलब अपनी मर्जी से, वॉलेंटरली, वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन में आता है बेटा वो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर आप अपनी मर्जी से भी चाहो तो नंबर ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि वो उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन का पूरा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर हम अपने आगे की चीजों की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद अपनी आगे की चीजों की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो इसमें बेटा बेटा किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज हम क्लास को आज यहीं पर रैप करेंगे और फिर हम अपने इस चैप्टर को खत्म करेंगे।